हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है शीतल पयाल और आप देख रहे हैं शी व्लॉग्स। सो अभी क्या है ना, मेरे को जाना है शॉपिंग के लिए और मैंने पापा को कहा कि पापा शॉपिंग पे चलना है, मॉल चलते हैं। पापा ने क्या कहा? कौन शॉपिंग? मैंने कहा शादी वाली शॉपिंग। मैंने कहा अच्छा, अभी मम्मी को सारी शॉपिंग करा दी और मेरे को तो कराई नहीं, क्योंकि मम्मी और मैं ही जा रही शादी में। तो अभी इनका कन्फर्म नहीं है, बट मैं तो जा रही हूँ शादी के लिए। तो कहते हैं अच्छा तो कार साफ करो तुम, तभी तुम्हें तभी शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगा। मैंने कहा कार साफ करो तो कर ही लेती हूँ, क्या ही जा रहा है। तो गाड़ी साफ करते हैं अभी, तो सामान मैं बाल्टी वाल्टी ले लेती हूँ गाड़ी साफ करने के लिए और चलते हैं गाड़ी साफ करते हैं। ये मेरे पापा की कार है ना, जिसे मैं बना के रहूं मैं कार। मैम जी गाड़ी साफ करूंगा, इतने पैसे देना। चलो इधर आना। तुझे पता है मुझे अब कमेंट के आने वाले, मेरी गाड़ी भी साफ कर देना। पक्का बता रही है, ऐसे कमेंट आने वाले। गाइस मेरी नौकर है तो मेरा काम करेगी, मैं किसी को नहीं दे सकती अपने। अकेले गाने सुन रही है क्या? फोन किसने लाई? तेरे लिए गाने सुनाने के लिए दस कीते खर्चे पापा को तेरी सफाई पसंद नहीं आई। अबे वो इसलिए क्योंकि ना कपड़े गंदा है बहुत। दूसरा अब फिर भी जाएंगे तो हम और चल घर जाके नहा। पसीने भाए मैंने चल। तो पापा साफ करें, मैं तो जा रही हूँ घर। तो निकलते हैं गाइस मॉल के लिए और बहुत जल्दी जल्दी मैं रेडी हुए हैं। पापा के लिए खाना खा के चलेंगे, तो सीधा खाना खा के सीधा निकल रहे हैं मॉल के लिए। कोमल घर पे अकेली है, बाकी हम मेरे साथ। पता नहीं क्यों जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे ये भी आ जाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, अब पता नहीं क्यों यहाँ इतनी बर्फ क्यों पड़ रही है? इसका ऑफिस चाहिए? ये मेरा। ये मेरा। शायद मॉल में कोई आ रखा है, यहाँ पर बहुत सारे गार्ड हैं। बाकी अभी पार्क करते हैं कार को और फिर अंदर जाते हैं। पता नहीं कौन कौन, कोई एक्टर शायद आ रहा है, कन्फर्म नहीं है। यहाँ पे इतने सारे गार्ड है ना, इसलिए ये लगता है सौरभ जोशी का ज्यादा ही बड़ा फैन है। सौरभ जोशी करते रहता है जब देखो। बस ये नंबर याद रखना पड़ेगा, इसलिए कैमरे में कैप्चर कर लेती, नहीं तो भूल जाएंगे। जो हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर भी नहीं है, वो वहीं है एम्बियंस में। कौन सी वाली चाहिए आपको? ये वाली चाहिए। ये तो लड़कियों की है यार। धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। सुनो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी शॉपिंग हो रही किसकी हो रही है, पहले इसकी फिर बड़ों की। तो गाइज मैं तो निकल गई थी अपने सूट की तलाश में, मुझे फीलिंग आ रही थी कि मुझे आज कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर हम हार मान के एक महंगे शोरूम में चले गए जिसका नाम था रितु कुमार। और अंदर घुसते ही देखा तो वहाँ की स्टार्टिंग ही 10,000 से थी। तो जिस तरह से हम अंदर गए थे उस तरह से हम बाहर भी वापस आ गए। मुझे लगता है आज कुछ नहीं मिलने वाला। सोई हुई लग रही तू है? ट्राई करो। क्या हुआ शीतल? लाइन में लगना पड़ता।
तू क्यों खड़ी है ऐसे? हाँ, दो घंटे से हम ही खड़े हैं और आ रहा इतना स्टाइल में कि कह ही गए हैं। आ जाओ इधर आओ, चश्मा पहनो और शीशा देखो। करो नीचे क्यों बैठ रहा है वे? खड़ा हो खड़ा। वैसा स्टाइल देखो बंदे का। तो हमारे साथ बहुत अच्छी चीज हुई है कि 7,000 की शॉपिंग में शॉपिंग रुक जा 7,000 की शॉपिंग मिलेगा फिल्मों के बारे में। ये हमें फ्री मिला है गाइस। तो अभी हम आए हैं कुछ खाने के लिए और मुंह देख रहा है लटका हुआ है, मतलब खुशी होनी चाहिए और मुंह लटका हुआ है क्योंकि हम थक चुके हैं मम्मी के ड्रामे देखकर। तो जल्दी से पेट पूजा करते हैं और निकलते हैं घर को। कोमल घर पे वैसे भी अकेली है और आरब को देखो कैसे बैठा हुआ है। ये देखो नहीं हुए हाथ की तरह, हम गंदी तरह से नहीं खाते। इतनी डरावनी शक्ल क्यों बना रहे हो? मेरे सब्सक्राइबर डर जाएंगे। पापा इतना गुस्सा करते हैं ना, पता नहीं क्या है, चिड़चिड़े सबके पेरेंट्स ऐसे ही होते लगता है, या मेरे पेरेंट्स अलग हैं, चिड़चिड़ से हो जाते हैं। एक बार शक्ल देखो। गुस्सा क्या, तुझे कुछ बोलो, तू कहीं और पहुंची हुई है, सब तेरे को सुनाई दे रहा। इतने इरिटेट क्यों रहता है? मेरी मम्मी को देखो, आप मेरी मम्मी देखें, मैं कैमरा करूँ खुश हो जाएगी, जैसे कैमरा में खुश हो जाएगी। वैसे तो मम्मी भी बहुत गुस्से में रहती है, बट पापा से ज़्यादा नहीं। पापा तो नहीं क्या, हर बात में चिड़चिड़े से हो जाते हैं। पापा को आदत पड़ गई। हाँ, आप तो पापा को लगता है हम जब से बड़े हुए हैं तब से पापा को आदत पड़ गई चिड़चिड़ा होने की। हमारे नखरे बड़े हो गए। पापा ने तो उसके इतने नखरे, पापा ने बोल दिया तुझे लेना है ले, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। भाई पापा मुझे हर जगह यही बोलते हैं और मेरे कोई नखरे नहीं, मुझे पसंद आ रहा है, बोलो ले ले, मेरे को इसको पसंद ही नहीं आता। अरे कैसी आवाज आ रही है? ब्लू कलर में सूट है ना, ब्लू ही लूँ क्या बाल में? हाँ वो बात भी है, पापा ने कहा ब्लू ही ले, पापा ब्लू ही नहीं मारते। लड़ रहे बाय। ये पहाड़ तो मैं पहली बार दिख रही हूँ यहाँ पर, या फिर देखा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने भी देखा। क्या सच में पूरी पहाड़ियाँ इसके ऊपर? पहाड़ियाँ और क्या, ये क्या सीन चल रहा है? दीक्षु इसके ऊपर चढ़ के जाएंगे। सो गाइस बैक टू दी होम, और मैंने शादी की शॉपिंग कर ली है पूरी, मेरी हो गई है, मम्मी की हो गई है, और कोमल और खुशी और दीक्षु पता नहीं जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, इनका पता नहीं, बट अभी मैं और मम्मी का बिल्कुल कन्फर्म है तो हम दोनों जा रहे हैं। तो शादी हम दोनों की शॉपिंग हो गई है पूरी। ये क्यों बोल रही हूँ, अब मेरी मम्मी की तो हो गई शादी की शॉपिंग पूरी, और बहुत ही एक्साइटमेंट, मतलब मुझको बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं पता नहीं कब शादी में जाऊँगी और कब वो आउटफिट पहनूंगी जो मैंने लिया है। और इस ब्लॉग को मैं एंड भी कर देती हूँ अभी, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओ सॉरी, और जो नए आए वो भी सब्सक्राइब कर दें, बाय।